दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत मान दिया जाता है और चंद्र ग्रहण इस बार 10 जनवरी यानी शुक्रवार के दिन है। हिंदू धर्म में ग्रहण को सही नहीं माना गया है, इसलिए ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए कई उपाय लोग अपनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस ग्रहण के पीछे राहु केतु है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए चंद्र ग्रहण से जुड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिसे शायद ही अब तक आपको किसी अन्य यूट्यूब चैनल ने बताया हो। इसलिए दोस्तों, अंत तक चैनल में बने रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में चंद्रग्रहण लगने के पीछे की वजह राहु केतु होते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और दानवों के बीच अमृत पाने को लेकर युद्ध चल रहा था। अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की सुंदर कन्या का रूप धारण किया था और अमृत सभी में बराबर बराबर बांटने के लिए राजी कर लिया था। जब मोहिनी का रूप लेकर भगवान विष्णु अमृत को देवताओं के पास लेकर पहुंचे, तो उसमें राहु भी देवताओं के बीच आ गया और देवताओं का वेश धारण करके अमृत पान किया। जैसे ही वह अमृत पीकर हटा, भगवान सूर्य और चंद्रमा को इस बात की भनक हो गई कि वह असुर है और ये बात इन्होंने भगवान विष्णु को बता दी। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी, परंतु दोस्तों, क्योंकि वह अमृत पी चुका था इसलिए वह मरा नहीं। उसका सर और धड़ राहु और केतु के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि भगवान सूर्य और चंद्रमा ने यह बात भगवान विष्णु को बताई थी। इसी का बदला लेने के लिए राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा दोनों पर ही ग्रहण लगाते हैं। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि सन 2020 में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का दिन और समय क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं, साल 2020 का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज हम आपके लिए लाए हैं इस साल के चंद्र ग्रहण की तारीख और समय। दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारत के अलावा यह ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। इस साल का चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को लगेगा। इसका समय रात 10:37 से 11 जनवरी को देर रात 2:42 तक रहेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे से ज़्यादा की होगी तथा सूतक भी ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले आरंभ हो जाएगा। और जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बार गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक साथ है और सूतक भी ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। इसके मुताबिक भारतीय समय के अनुसार 10 जनवरी की सुबह 10:00 से ग्रहण का सूतक आरंभ होगा। परंतु आपको बता दें कि इस बार का चंद्र ग्रहण उप छाया चंद्र ग्रहण होगा। पुराणों के अनुसार इसे माघ ग्रहण कहते हैं। इस तरह के ग्रहण में चंद्रमा पर ग्रहण पूरी तरह से नहीं लगता, बल्कि इसका बिंब धुंधला हो जाता है। धार्मिक नजरिए से इस बार लगने वाले चंद्र ग्रहण को दूसरे चंद्र ग्रहणों से कमजोर माना जा रहा है। इसलिए ज्योतिषियों का कहना है कि भारत में इस ग्रहण का असर ना के बराबर होगा। इस ग्रहण पर सूतक लगेगा तो सही, पर इसका असर ना के बराबर ही रहेगा, यानी यह सूतक भी कमजोर होगा, जिस वजह से मंदिरों के कपाट भी बंद नहीं होंगे। धार्मिक जानकारों के अनुसार इस ग्रहण को ग्रहण की कोटी में नहीं रखा जाता है। पंचांग के अनुसार जो चंद्र ग्रहण नग्न आंखों से न दिखाई देता हो उसका सूतक भी नहीं माना जाता। उपछाया चंद्र ग्रहण नंगी आंखों से न दिखाई देने से इसका प्रभाव ज्यादा नहीं माना जा रहा, परंतु चंद्र ग्रहण का हल्का प्रभाव तो रहेगा, जिस वजह से इसका बचाव भी अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, इस दिन यानी चंद्र ग्रहण वाले दिन आपको इसके बुरे प्रभाव से बचाव के लिए इस मंत्र का जाप आप कभी भी कर सकते हैं अपने मन में।
जब आपको खाली समय मिले तब इस मंत्र का जाप आप करें। दोस्तों यह मंत्र इस प्रकार है, ओम सोम सुमाय नमः। दोस्तों इस मंत्र का जाप चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देगा। दोस्तों अब जानते हैं इस चंद्र ग्रहण का आप पर और आपकी राशि पर क्या असर रहेगा। यूं तो दोस्तों यह उपछाया चंद्र ग्रहण है जिसका बहुत प्रभाव नहीं होता क्योंकि इसमें चंद्रमा की काली छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती। फिर भी मिथुन राशि में चंद्रमा मालिन्यमय होगा इसलिए मिथुन राशि के लोगों पर इसका आंशिक असर हो सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि चंद्रमा के साथ राहु की उपस्थिति से ग्रहण योग बन रहा है। इस योग से मिथुन राशि के अलावा इन 6 राशियों को भी आंशिक प्रभाव से चंद्र ग्रहण के गुजरना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन 6 राशियों के बारे में। मिथुन राशि, सबसे ज्यादा समस्या मिथुन राशि के जातकों को इस ग्रहण के प्रभाव से होने वाली है। खासकर शारीरिक और मानसिक सेहत आपका खराब हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ अटपटे झगड़े हो सकते हैं या लड़ाई हो सकती है। इसलिए इस दिन यानी चंद्र ग्रहण के दिन भगवान शिव का कोई भी मंत्र आप जाप करें, इससे आपको ग्रहण के प्रभाव का असर आप पर से कम हो जाएगा। दोस्तों अगली राशि है कर्क। ये ग्रहण कर्क राशि के 12वें भाव में पड़ने जा रहा है जिस कारण धन की हानि की संभावना बन रही है। दुश्मनों के षड्यंत्र कामयाब हो सकते हैं। विदेश से धन लाभ के योग तो बन रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ने की संभावना दिख रही है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि चंद्र ग्रहण के दिन आप जितना हो सके माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप अपने मन में बोलते रहे। दोस्तों अगली राशि है सिंह राशि। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि के 11वें भाव में पड़ने जा रहा है। सिंह राशि वालों को ये चंद्र ग्रहण लाभ जरूर देगा लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब होंगे। पढ़ाई लिखाई में लगे छात्रों पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों आपको सलाह दी जाती है कि जितना हो सके चंद्र ग्रहण वाले दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाएं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ घर पर ही करें। दोस्तों अगली राशि है कन्या राशि। ये ग्रहण कन्या राशि के 10वें भाव में लग रहा है। इस दौरान करियर या प्रोफेशन में कोई दिक्कत आपको आ सकती है। पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आर्थिक हानि के योग भी बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको सलाह दी जाती है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ग्रहण के दिन आप इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण दुर्भाग्य के योग बना रहा है यानी आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। सही दिशा में होने वाली चीज़ें भी बिगड़ सकती हैं। तुला राशि वालों को बेहद संभल कर रहने की ज़रूरत है। इस दिन आप शनि मंदिर जाकर शनि देव की पूजा अवश्य कर लें ताकि ग्रहण का प्रभाव आप पर कम रहे। दोस्तों अगली राशि है कुंभ राशि। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि के 5वें भाव में लगेगा। लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं और बच्चे की सेहत को भी नुकसान होगा। आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप ग्रहण वाले दिन माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र पढ़ें और अपने मन में सारे दिन उसका ध्यान करें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।